प्रेजेंट बाय डीएससी लाइव कवरेज। शक्ति को अवतारे सभा में उठा लियो केबा लागी मु 24 बगड़ावत में छड़ के आऊंगी और आप छड़ने की बात करो मुंडी की माला पैर करके आऊंगी शीश की माला कहीं का देवता और ने माता जी को विरोध करियो के परमेश्वर ही हमारा सबका भगत है थारो कहीं बिगाड़ियो मां भवानी केबा लागी कि राणा जी का बाग में तोड़ी थी फूला की माल फूल की माला का बदला में मुवणी बगड़ावता की पेरुमा मुंडी की माला बाकी थोड़ी देर लगेगा ठीक है देर लगे तो लगने दो आप जाओ भवानी भवानी उस समय एक और शक्ति को साथ में लिया और पवाल नाम के गांव में भुमालगढ़ के राजा इर्दे सोलंकी के राज में देखो जो है एक तो ये स्वयं जगदम्बा एक छोटी कन्या साथ में ली है और दोनों ही जब प्रजापत जी गारो खोदे नी कुमार बा उन्हीं गारा की जगह में रो रही है छोटी छोटी कन्या के रूप में कुमार कुमारन गारो खोद बा गया देखे कि ऐसी कौन माँ होगी जो छोटी छोटी कन्या को यहीं छोड़ गई विचार किया कुमार कुमारन ने क्या अपना करने ले चला अनको पालन पोषण अपनी करांगा घरे ले गया अब दिन भर मटका बनाए एक दिन मटका बनावे एक दिन उन्हें मटका और ने बगल ने जमावे और फिर गारो खोद बाजावे इन्हीं दो ही कन्याओं ने विचार करियो कि अपनो सुधारो या नहीं होगो या पालन पोषण तो हो जागो बाकी अपन सवाई भोज को नहीं छल सकते
के फिर कहीं करा ये मटका फोड़ो कहीं कहीं राजा का राज दरबार की बुद्धि पलना में से उठे दो और जितना भी मटका भी बनाए कुमार कुमार सब फोड़ दे। एक दिन फोड़िया दो दिन फोड़िया तीजे दिन भी फोड़े जब प्रजापत करे बिचारा मटकाई कुन फोड़े। अरे कुमारा मनमारा लागे ने बारी रीश प्रजापत विचार करे कुमारी को केबा लगिया कि हे प्रजापत नी अपना मटका कौन फोड़े। बोली के मुंह गरे रहू तम जाओ आज गारो खोद बक पड़ोसन फोड़ी जाए। अब कुमारन मां देख रही उनी मटका उनाड़ी। अब मटका उनाड़ी वा देख रही दोई कन्या उठी पालना में से और सब मटका फोड़ दिया। कुमारन मां ही गश्त आ गया उठे चक्कर आवा लगा पसीना पसीना होगी वहां से बागी महाराज दौड़ी दौड़ी प्रजापत जी के पास पहुंची। केबा लगी तम अपना घरे जो छोटी छोटी कन्या लाया ये भूत प्रेत तोक लाया वो क्यों वी मटका वी फोड़ रही है। अच्छा के हाँ कुमार बाबा केबा लगा कि अभी ले आया तो है ई भूते जने प्रेर पर ही अपनो असर नुकसान करे अपन आने पालबा का चक्कर में था ही अपने भूखा मार दे आने असो करा अपने गांव के राजा के राज दरबार इर्दे सोलंकी के घर छोड़ा। इर्दे सोलंकी के घर लेकर के पहुंचे और राजा इर्दे सोलंकी के वहां देखो जो है प्रजापत जी ने कहा राजा आपके राज दरबार में मैं दो कन्या देना चाहता हूँ। ये मैं गारा खोद रहा था वहां से मिली मारी गरीबी में मारे घर को पालन पोषण नहीं कर सका। यह बात उस समय सुन खड़ा देखो जो है राजा ने विचार किया अहो भाग्य है हमारा धन रे दीना नाथ मैं एक बेटी के लिए तरस रहा था भगवान ने मेरे घर दो दो बेटियां दी है। उस समय राजा ने दोनों को गोदी में देखो जो है गोदिया ले ली कुल पुरोहित को बुलवाया और इनका नामकरण करवाया। जय हो तो इनका नाम कहीं आया स्वयं जगदम्बा भवानी को एक नाम आयो पद्मावती। कई नाम आयो पद्मावती दूसरो जयमती तीसरो नाम आयो अनको फूल कुंवर। अब उनका तीन नाम आया स्वयं जगदम्बा का और साथ में जो एक और दासी थी वो छोटी कन्या थी उसका नाम आया हीरा। यानी ये पद्मावती जो जयमती नाम की है ये तो रानी सा बन करके रहेगी और ये जो हीरा नाम की इनकी जीवन भर दासी रहेगी। राजा ने कहा मेरी बेटी का नाम मोहभाव से पद्मावती रहा। अब भवानी के बड़ी होवा में कहीं देर लगे
बगड़ावत ने चढ़वा आई है आई वो या तो जगदम्बा रीबो बड़ी हुई एक दिन हीरा दासी और ये जगदम्बा दोनों हाथ पकड़ के महल में फुंदी लगाई जय हो क्योंकि भवानी जगदम्बाएं बड़ी होवा में कई देर लगी है तो भगवती थी लोग इस कथा को समाजवादी कथा मानते बाकी नहीं ये कथा भगवान की है जति सती और सूरा और शक्ति की कथा है वो जो रानी भवानी थी वो ना तो रान के राजा की थी और ना कोई गोठा के 24 बगड़ावत की थी वो तो शक्ति स्वरूपा माँ भगवती थी जो दोनों वंश को लड़ाने के लिए आई थी इनका बेकुंठ में बास करने के लिए पधारी थी जब उस समय देखो जो है भवानी चंद्र की कला जैसी बड़ी होने लगी विवाह के योग्य हो गई और जब विवाह के योग्य हुई पिताजी ने ध्यान नहीं दियो विचार करियो कि अब पिताजी ऐसे ध्यान नहीं देगा कहीं ना कहीं चमत्कार बताना पड़ेगा इस जगदम्बा भवानी ने उस समय हीरा दासी को हाथ पकड़ियो और महल में ऐसे करके चक्कर फुंदी लगाई तो राजा को धूज गियो नम खंडियो महल राजा को धूज गियो होगी गजब की बात टेम देखो जो है राजा ने विचार करियो ना सावन का भादवो ना तो भान ना बादल में बिजली ना इंद्र गर्जियो है कारण कई वो जो मेल दूज गयो हीरा दासी हाथ जोड़ नीचे उतरवा लागी राजा राज दरबार की गादी से उतरी राजा ने देखा कहीं हवा तो नहीं चली देखा मेल क्यों दूजियो दासी हीरा मेल से नीचे उतरी राजा ने पूछा हीरा मेल दूज रहा है कारण क्या है बेटा कहीं हवा चली नहीं महाराज फिर मेल क्यों दूजियो बेटा कहीं धरती दूजी नहीं महाराज आपकी बाईसा जयमती और माने दो ने हाथ पकड़ी फुंदी लगाई तो मेल भर गयो था को दूज गयो राजा ने विचार किया आए हाय बेटी विवाह के योग्य हो गई अपने तो ध्यान ही नहीं दिया कुल प्रोहित गुरु जी को बुलवाया गुरु महाराज मारी बेटी के लिए अच्छो घर अच्छो वर बराबरी की बैठक और बराबरी का ठिकाना पे आप मारी बेटी का टीका नारियल देकर के आओ ठीक है गुरु महाराज वहां से चलिया ये जगदम्ब भवानी कहने लगी हीरा ओ दासी हाँ भाई साहब आप ऐसा करो जो विप्र जा रहे हैं इनको मेरे महल में बुलाओ
हीरादासी कहने लगी हाथा जोड़ी बिनती अंदाता नम नम लागा पावे आपने कवरी शामेल में बुलावा। ब्राह्मण देवता ये बात सुन करके विचार बड़ी प्रसन्नता खुशी छाई कि मैं जिनके विवाह का टीका नरियल लेकर के जा रहा हूँ वही बाईसा मुझे याद करे है। ब्राह्मण देवता महल में पहुंचे, बोलो बाईसा कटे जा रही है। ब्राह्मण देवता के बा लगा आपका पिताजी आपको ब्याह करेगा बड़ो भारी टीका नारियल लेकर के जा रही हो कहीं कहीं बड़ा घर और बराबरी की बैठक अच्छा घर और वर देख करके मैं आपका टीका नारियल देकर के आऊंगा। भवानी के बा लगी घर मैंने देर देख रखी और वर भी देख रखी उन्हीं कारण तो मैंने अवतार लिया है कि कहां है घर और कटे है भर भर कई तो जगदम्ब ब्राह्मण ने केवे और कई ब्राह्मण देवता सुने देखा